सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे तरीके जिससे आप अपने व्हाट्सएप नंबर के लिंक को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सो देखो, व्हाट्सएप नंबर का लिंक को जनरेट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहां से आप अपने व्हाट्सएप लिंक को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा ईजी लगता है व्हाट्सएप लिंक को क्रिएट करना, वही सेम तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप लिंक को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो, अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको चले जाना है अपने व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको किसी के भी चैट सेक्शन को ओपन करना है, और चैट सेक्शन को ओपन करने के बाद यहां पे आपको टेक्स्ट करना है https://, फिर //, फिर /, फिर /, फिर एक बार /, फिर +91 कंट्री कोड, फिर आपको उसके बाद अपना नंबर यहाँ पे टेक्स्ट करना है जिस भी आप व्हाट्सएप नंबर का लिंक बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर टेक्स्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नंबर टेक्स्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा शेयर। जैसे मैं शेयर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है वो बन चुका है। ठीक है, आप जैसे इस नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो हम उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप पे हमने व्हाट्सअप लिंक तो बना लिया, बट आप यहाँ पे देखो कि इस लिंक में ना हमारा नंबर भी शो हो रहा है, राइट? तो हम चाहते हैं कि ये नंबर ना रहे, सिर्फ लिंक रहे, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधे चले जाना है अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है शॉर्टन लिंक। क्या सर्च करना है? शॉर्टन लिंक। जैसे आप शॉर्टन लिंक पे क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन होगा, आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, राइट? शॉर्टर, यहाँ लिखा है शॉर्ट URL टूल्स, राइट? आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेस्ट URL टू शॉर्टन, मतलब बोल रहा है जिस भी आप लिंक को आप शॉर्ट करना चाहते हो यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करो। तो हम यहाँ पे लिंक को कर देते हैं पेस्ट। जैसे हम लिंक को पेस्ट करेंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कट का, हम यहाँ पे करेंगे कट। जैसे ही कट करेंगे तो वो जो नंबर है वो हट जाएगा। आप यहाँ पे नीचे में देखो हमारा एक न्यू लिंक बन चुका है, ठीक है, और नीचे में आ रहा है कॉपी। हम यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर हम वहीं पे चले जाते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे हम अब करेंगे शेयर। अब देखो जो नंबर पहले शो हो रहा था, अब इस लिंक में क्या है, नंबर शो नहीं हो रहा है, राइट? तो अब आप इस नंबर को किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, राइट? तो ये था पहला तरीका जिससे आप अपना व्हाट्सएप नंबर का लिंक आप बना सकते हो। सो, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने WhatsApp नंबर का आप लिंक को क्रिएट कर सकते हो। और ये जो दूसरा तरीका है ना, ये पहले वाले तरीके से ज़्यादा बेस्ट है। ये बेस्ट क्यों है अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है लिंक को क्रिएट करने के लिए, आपको सीधे चले जाना है अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है WhatsApp लिंक जनरेटर। ठीक है, जैसे आप WhatsApp लिंक जनरेटर सर्च करोगे आपको सबसे पहला एक लिंक दिखेगा क्रिएट WhatsApp लिंक्स, राइट? आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट योर फ्री लिंक हेयर, राइट? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइप योर व्हाट्सअप फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर को टेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर को टेक्स्ट कर लिया, और व्हाट्सअप नंबर को टेक्स्ट करने के बाद नीचे में देखो एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम मैसेज का। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले वाले तरीके से ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पे अपना खुद का एक मैसेज भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जब कोई पर्सन आपके व्हाट्सअप लिंक के थ्रू आपको मैसेज करेगा ना, तो जो मैसेज अभी आप यहाँ पे टेक्स्ट करोगे वही मैसेज वहाँ पे ओपन होगा उसको, जिससे क्या होगा, सामने वाला ये मैसेज करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि किसी ने आपके व्हाट्सअप लिंक के थ्रू आपको मैसेज किया, राइट? तो आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर वर्क। हमने ये टेक्स्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब कोई मेरे व्हाट्सअप लिंक के थ्रू मुझे मैसेज करेगा तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज आएगा कौन सा मैसेज आएगा, ये वाला मैसेज आएगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने मेरे व्हाट्सअप लिंक के थ्रू मेरे को मैसेज किया है काम के लिए, राइट? अब हमने यहाँ पे नंबर टेक्स्ट कर लिया, कस्टम मैसेज भी हमने टेक्स्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे में देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जनरेट माई व्हाट्सअप लिंक। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन आएगा। आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है
कॉपी लिंक, यहाँ पे कॉपी लिंक कर लिया, या तो फिर आप अपना आप अपने व्हाट्सअप नंबर का क्यूआर कोड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब हम चले जाते हैं अपने व्हाट्सअप पे। अब हम यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, देखो हमने यहाँ पे कर दिया मैसेज। अब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट लेके चला जाएगा मेरे नंबर पे। अब यहाँ पे देखो नीचे में आ गया ना, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर वर्क, जो अभी हमने कस्टम मैसेज में टेक्स्ट किया था। अब कोई जो दूसरा पर्सन होगा वो मुझे ये मैसेज करेगा कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर वर्क, तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने मेरे को काम के लिए मैसेज किया है, राइट। तो ये दूसरा तरीका था जिससे आप अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि व्हाट्सअप नंबर का लिंक को कैसे क्रिएट करना होता है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख सके कि वो लोग अपने व्हाट्सअप नंबर का लिंक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, राइट। सो आपने ये तो समझ लिया कि आप अपने व्हाट्सअप नंबर के लिंक को कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम के किसी भी रील्स को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आप सीख जाओगे कि हम इंस्टाग्राम के किसी भी रील्स को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।